न्यू दिल्ली संख्या 2019 में आप सभी का स्वागत है। आप सबसे अनुरोध है कि कुर्सी की बेटियां बांध लें और जिन्हों जिन्हों ने बेटी कोट पहना है वो भी सही से बांध लें। ये विमान सीधा स्वर्ग लोक की ओर स्थान करेगा। धर्म पत्नी ऋतु राठी तनेजा जी हैं, जिन पे कि मुझे कुछ खास भरोसा है नहीं। अगर तो आप फ्लाइंग बीच की वीडियो देख रहे हैं तो हमारी कैबिन क्रू आपका ख्याल रखेंगे, और अगर आप किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हैं तो बता दूं आपको इस विमान में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग सख्त वर्जित है। जो लोग तो फैमिलीज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चेतावनी उन सिंगल लौंडों को दी जाती है जो एयरक्राफ्ट में दो दो घंटा पहले आ जाते हैं इस उम्मीद में कि हमारी सुंदर कन्या को बताते हैं। गलती से भी कोई किसी कन्या के ऊपर लाइन नहीं मारेगा क्योंकि अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, हस्बैंड भी हूँ, तो मेरे को सारे काम आते हैं। मैं इंडिया का संस्कारी जॉनी सिंह हूँ। मेरा कोई प्लान नहीं था भाई यूट्यूब बनने का, मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था यूट्यूबर बनने का। मेरे को पता क्या मन था बनने का? पापा। मैं अभी बन गया हूँ थोड़ा सा, बट I want to make more content in this field. लेकिन इस फील्ड में क्या है, इस फील्ड में क्या है, दो साल में एक कंटेंट तभी भाई। अभी मैंने थोड़ा सा कंटेंट बनाया, आप लोगों ने देखा होगा रेसबरी, लेकिन क्या स्क्रिप्टिंग साल भर चलती रहनी चाहिए, कंटेंट दो साल में एक आए तभी सही रहता है। लोग बोलते हैं फिटनेस चैनल आपका, आप बताओ आपकी बीवी ने कैसे वेट लॉस कैसे किया प्रेगनेंसी के बाद, आप वीडियो बनाओ। मैं क्या वीडियो बनाओ यार, कैसे तो करा तुम लोग बताए। पीछे मोहल्ले वाले कंप्लेन करने आते मेरे को, आपकी बीवी पतंगे लूटने 5-5 किलोमीटर भाग जाती बच्चों की, उनके बाल पकड़ के पतंगे लूटती है उससे, तब जाके वेट कम हुआ इसका। पिछले महीने मुंबई में फैन फेस्ट था, वहां गया मैं, इतना हल्ला जनता मचा रही थी, ये यो यहां इतना तेज, यहां पे आके तुम लोग में इतना जोश है, घर पे माँ बोलते बेटा धनिया लेनी चाह रहा है, सबको मौत पड़ जानी, सारे सारे के सारे। मुंबई में एक चीज और देखी ना, मेरा फर्स्ट टाइम स्टेज पे, मैं देखा था स्टेज पे एंट्री कैसे मारी जाए, क्या किया जाए, कैसे करा जाए, तो स्टेज पे आके जनता ऐसी, मुंबई आर यू रेडी, तो मुझसे घर से निकलने से पहले पूछो आर यू रेडी। बंदा यहाँ आ गया, लड़कियां 2-2 घंटे मेकअप करके आ रही है, पानी की बोतल अलग से, मोमो साइड में, फोन की बैटरी फुल, यहाँ के क्या मतलब आर यू रेडी, ये क्या बात हुई। Yeah.
पैसे बचाने के लिए घर से सस्ता एक्टर ले आते हो, उनको पता नहीं होता एंट्री कब मारनी है। चलो भाई इतना मैंने रिहर्सल कराया, एंट्री कब मारनी है, उन्होंने गलत एंट्री मारी। ऐसी औरतें होती हैं, मुंबई में अमेंडा सर्दी बुला रखी है, हमको लोगों क्या पकड़ा के दिया हुआ है। ये हमारी तो किस्मत ही गई फूटी, और एंट्री ऐसे खुश ऐसे हो रही है आप लोगों से बैठे जैसे भैंस पहले सावन में नाचती है। जा दबाओ जा, और सुन स्क्रिप्ट पढ़ के आई हो, देख ले एंट्री तेरी कब लिखी है, देख ले। तो मैं आपको बता दूं गाइस, मैं कितने सिंगल लौटे यहाँ पे, ऊपर कमेंटेड नीचे सिंगल है खाली, क्या ऊपर भी है। तो भाई आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने एक एनजीओ खोली है, उसमें मैं एक ही काम करूंगा, जितने भी सिंगल मेरे भाई बंधु हैं सबके लिए मैं गर्लफ्रेंड प्रोवाइड करूंगा, कस्टम भाई। ये हमने अंग्रेजी में लिखा है क्योंकि अंग्रेजी लोग ज्यादा पसंद करते हैं आजकल। अंग्रेजी पसंद करते हैं ज्यादा, लेकिन आजकल मार्केट में रशियन भी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। आज अंग्रेजी से काम चला लो, ठीक है। और तुम्हारी फोन की घंटी कब आएगी यार? हाँ भाई साहब, यही एनजीओ। हाँ जी, हम प्रोवाइड कराते हैं कस्टमाइज गर्लफ्रेंड प्रोवाइड। आपको क्या चाहिए? कस्टमाइज गोरी चिट्टी चाहिए, सेलिब्रिटी टाइप, नॉर्मल टाइप चाहिए? अच्छा, गोरी चिट्टी चाहिए, करीना कपूर टाइप। साले हम खुद ही हरियाणा के जाट लिए घूम रहे हैं। तेरे को गोरी चिट्टी कहाँ से दिला दे भाई? रख फोन, रख फोन, रख। मैडम ये शिल्प चले पाया हमने, और ये सारे लोग ना लाइन में खड़े हुए हैं, देखो दिखता नहीं है ये एनजीओ। सर मुझे शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का दिखाइए। शादी बाद में करी, पहले बीच में आइए। लाइन यहाँ लगवाई हमने, शादी वहाँ करानी है आपको। क्या दिखाना आपको मैडम? शादी के लिए अच्छा। अच्छा एक सेकंड चाहिए मैडम, कैमरा ब्लॉक होना है, एक सेकंड मैडम, ये भी जरूरी है मैडम, हमने ब्लॉग बनाना है। शादी के लिए लड़का दिखाइए, तो चिपको मत। कैसा देखेंगे मैडम? सीधा साधा देखेंगे, ये हिप हॉप पर मुझे प्यार तो कर। सीधा साधा ही दिखाइए, सीधा साधा दिखाओ। ये देखिए मैडम, मोटा चाहिए तो बताना। ये लड़का कैसा लगा आपको? ना नहीं है ये लड़का, छी। और तो यही प्रॉब्लम है, मार्केट में 5 रुपए की ऑमलेट जैसा मुंह लेके घूम रही है। लड़का ऐसे रिजेक्ट करिए जैसे कंगना रनौत हो गया। ज्यादा बकवास मत मारो, तुमने आज तक कभी किसी का रिश्ता कराया है? क्या बात कर दी मैडम, सलमान खान का रिश्ता हमने कराया मैडम। जी हाँ। अच्छा किससे? कटरीना कैफ से। लेकिन वो क्या हुआ, रणबीर कपूर की पेमेंट पहले आ गई, हमने उसको वहां चिपका दिया। आपको कहाँ चिपकाना है मैडम? मतलब आपको शादी करनी है? हाँ। मैं तो कहता मैडम, डोंट बी कंफर्टेबल विद मी। मैं तो कहता हूँ, पति हूँ आपका, मैं तो कहता हूँ कि शादी के चक्कर में मत पड़ो मैडम, बेकार के। चाय पीनी होती है तो बाजार से एक पैकेट दूध ले आओ, घर पे पूरी भैंस पालने की क्या जरूरत है मैडम? आप शादी करके खुश नहीं हो क्या? कौन सा ऐसा मन है जो शादी करके खुश है मैडम? कौन सा ऐसा मन है? मेरे साथ तो धोखा हो गया मैडम, मेरे को इसके मेरे ससुर ने टूटी लड़की चिपकाई मैडम, ऐसे ना चलती टूटी। मेरे दूध में पत्ती डालने को वो चाय कहती है मैडम, उसके इतने नुकीले दांत, लिज्जत पापड़ के हाथ में खरगोश बनती थी वो। क्या धोखा हुआ मेरा खाना, मैंने कहा कुछ अच्छा बना दे खाने को, खाने में क्या बनाया इसने? टिंडे, टिंडे भी इसके टुकड़े, थाली के एक साइड में पड़े रहे, ये नहीं कि साले बीच में बंदा खा सके। और मेरा ससुर मैडम, मेरा ससुर जैसे ही दहेज की बात करो इनका पूरा खानदान बहरे होने की एक्टिंग करने लगता, पूरा खानदान बगल से फ्री में। सर मुझे शादी करनी है, आप शादी के लिए कोई लड़का दिखा दो। शादी का लड़का दिखा दो मैम, आपने फ्लर्ट किया? नहीं, मैम हम रिकमेंड करते हैं कि शादी से पहले आप कम से कम आप सब
कम से कम 6 महीने पहले आप फ्लर्ट करें, उसके बाद आप शादी करें। देखिए मैडम क्या होता है, देखिए डिस्प्ले, आप बीच में आइए मैडम, आप उधर भागती जाती हैं, स्टेज वैसे छोटा लगाया आपने और आप उधर भाग रही हैं। मैडम शादी के फ्लर्ट से क्या होता है, आप जिससे शादी कर रही हैं उसको तो भला कर ही रही है, जाते जाते मैडम बहुत भला कर जाइए। अच्छा आपने फ्लर्ट करने के लिए लड़का कहाँ से लाओ? मैम मतलब और भी अच्छी बात है, हमारे एनजीओ में लड़के मिलते हैं। मैडम डरिए मत मैडम, ये मेरा फ्लो है। मैडम आपको बताता हूँ, शादी के लिए बहुत अच्छा लड़का आपके पास। आप क्या कर रही हैं, ये फोन में क्या कर रही हैं आप? वीडियो देख रही हूँ। किसकी? बीबी की। कभी अपने मर्द का भला करा दिया कर, बीबी की वीडियो देख। ये देखिए मैडम, ये लड़का बहुत ही अच्छा है। पायलट है बंदा, बॉडी बिल्डर है, अच्छा कमाता है मैडम, और ये ठरकी भी बहुत है, ये मेहनती बहुत है मैडम, ये बहुत मेहनती है। आपको क्या बताऊं, इतना मेहनती लड़का है मैडम ये, इसने इतनी पढ़ाई की है, रात में जब लाइट चली जाती है घर पे, स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठ बैठ के इसने पढ़ाई की है मैडम। अच्छा क्या पता था? मस्त नाम मैडम। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कोई लड़का वड़का है। अच्छा बाहर में जा, फिर दूसरी ड्रेस चेंज करके आ जा। तो गाइस अब मुझे लगता नहीं है कि एनजीओ से कुछ भला होने वाला है, इसलिए मैंने इस बार इलेक्शन तो आ ही रहे, दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, मैंने अपनी पार्टी बनाई है, ये बोर्ड लगाया मैंने, अपनी पार्टी लगाई है, ये ढीले साले, ये मेरी पार्टी है, मौजा ही मौजा पार्टी है मेरी। मेरा उद्देश्य है मेरे इलाके में एक भी बंदा सिंगल नहीं रहेगा, सबको मैं लड़के दिलाऊंगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मोजा मोजा नाम रहेगा। एक बार और, जब तक सूरज चांद रहेगा मोजा मोजा नाम रहेगा। सही है, मोजा मोजा पार्टी यही है जी। हाँ मैडम यही बताइए। सर मैं एक रिपोर्टर हूँ। बीच में मत आइए तुम। हाँ बताइए मैडम। सर मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। आप रिपोर्टर हैं? लगता आप टैक्सी देंगे। पार्टी जीत गई जी मैम, तो सर आप सबसे पहले काम क्या करोगे? सबसे पहले तो मैम हम जम के मौज करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का नारा ही मौज है। अब मैं तो कहता हूँ जब तक इस देश के नेता मौज में नहीं आएंगे, जनता तक हम मौज कैसे बचाएंगे? अच्छा सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आपने पार्टी बनाने की सोची कैसे? मैडम पार्टी बनाने की मैंने बचपन में सोच ली थी, मेरे पास अपना माइक रखी है मैडम। मैडम मेरे घर पे मेरी मम्मी को किटी पार्टी का शौक था, मेरे पापा दारू बाजू को दारू पार्टी का शौक था मैडम, मेरी गर्लफ्रेंड उसको पूल पार्टी का शौक था मैडम, भाई को रेप पार्टी का शौक था। मैंने सोच लिया मैडम बड़े हो गए मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। अच्छा सूरज चांद रहेगा मोजा मोजा नाम रहेगा। बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, ये मेरा साला है, इन लोग की पीछे जरूरत नहीं थी, कहता मेरे को स्टेज पे आ रहे, इनके लिए मैंने रोल क्रिएट किया पीछे राजा। एक बार बोलो, जब तक सूरज चांद रहेगा मोजा मोजा नाम रहेगा। हाँ जी मैडम, नेक्स्ट सवाल कुछ है आपका? की हो गया आपका? नहीं नहीं है सर। अच्छा है, बोलिए मैडम। आप इलेक्शन में कितने साल से खड़े हो? मैं इलेक्शन में मैडम मैं 3 साल से खड़ा हो रहा हूँ, किसी एक कंजर ने मेरे को वोट नहीं दिया, इतने सारे लोग देखने आते हैं, मेरे को किसी ने वोट नहीं दिया। फिर मुझे पता चला मैडम इलेक्शन में मूवी टिकट लेके खड़े होगे तो वोट नहीं मिलता, मैंने कहा अच्छा फिर नेक्स्ट टाइम से अब मैं इलेक्शन टिकट लेके खड़ा मैडम। वाह कितना बोरिंग था। कोई नहीं, इम्प्रोवाइज कर रही है, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। यू कैन स्टिल वर्क अपॉन इट, इट्स ओके। आखिरी क्वेश्चन सर ये है कि आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? मैम बहुत सिंपल एजेंडा हमारा, हमारा एजेंडा है, हाय भाई, हमारा एजेंडा है मैम, हमारे पार्टी का एजेंडा है मैडम हम, लेकिन ऐसे कलाकार हैं इम्प्रॉम्प्टू कर देते हैं, हमारे पार्टी का एजेंडा है मैडम हम सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कराएंगे, सब बंदे बंदियों का एक एक कपल होगा, सबका पार्टनर होगा। अभी मेरा खत्म नहीं हुआ सालों में तुम लोग अपना भी तो मैडम, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप पूछिए उनका क्या करूंगा मैं? हाँ क्या करोगे उनको मैडम? मैं उनके लिए अच्छे से मॉल बनवाऊंगा, जिनको की दिक्कत ना हो घूमने घामने में, 14 फरवरी को डंडे पड़ जाते हैं उनको, तो मैं नियमों में तब्दीली कराऊंगा मैडम। आप आज शाम को फ्री है मैडम? अरे आइए ना, मौजा मौजा करते हैं मैडम, अरे आइए ना मैडम।